कार्य इंद्र विक्रम सिंह ने आज अलीगढ़ के तटीय क्षेत्र टप्पल में एसएसपी कलानिधि नैथानी के साथ संभावित बाढ़ प्रभावित ग्राम महाराजगढ़ का दौरा कर बाढ़ आने की दशा में तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर उचित प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चौपाल में संवाद स्थापित करते हुए ग्रामीणों से कहा कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने नाव में बैठकर यमुना नदी के बहाव और जलस्तर का जायजा लिया। यमुना के जल स्तर में बढ़त के कारण यहां पर अभी सड़कों पर और खेतों पर पानी आया है, अभी आबादी में पानी प्रवेश नहीं किया है। उस नजरिए से यहां का निरीक्षण किया गया। यहां की बाढ़ चौकियां क्रियाशील हैं, अभी आबादी को विस्थापित करने की नौबत नहीं आई। हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं, गाँव वालों को सचेत कर दिया गया है। लगभग एक फीट पानी अभी यहाँ देर रात्रि तक और बढ़ सकता है, लेकिन उससे भी घरों में पानी जाने की संभावना नहीं है। हेल्थ की टीम्स और पशु चिकित्सकों की टीम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी बंधे पर रखी जा रही है, तो हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था रखी गई है। जो ये बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र जैसे कि बताया गया था, यहाँ पर ये आशंकाएँ जताई जा रही थी, यहाँ पर संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संबंधित विभाग भी यहाँ पर हैं और समस्त जो ग्रामवासी हैं इनके साथ भी मिलकर के वार्ता की गई है। जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया है। अपने स्तर से कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा गया, पुलिस की जितनी पार्टीज हैं उनको भी एक्टिव रखा गया है और फ्लड कंपनी जो है उनको रेडी हालत में है जब आवश्यकता।